जो प्रकरण अभी आदरणीय दसपाना जी कह रहे थे उसमें मुझे ये कहना है कि चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय रूप में आप देखें, चाहे वो हिंदुस्तान के कानूनों के आधार पर देखें, रिश्वत को रिश्वत देना और रिश्वत लेना दोनों ही कानूनी रूप से एक बड़ा अपराध है। सेबी के समकक्ष एक अमेरिकन एजेंसी जिसका प्रतिभूति विनियम आयोग SEC का आरोप है कि गौतम अडानी और उनके साथ साथियों ने रिश्वत देने की योजना बनाई जिसके तहत 2,000 करोड़ रुपए की रिश्वत देनी थी और जिसके तहत ऊर्जा के क्षेत्र में ऊंचे दामों पर बिजली को बेचकर 16,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाने का मामला है, जिसमें 4 राज्यों में गैर बीजेपी दलों का शासन है जबकि जम्मू और कश्मीर राष्ट्रपति शासन के तहत सीधे केंद्र सरकार द्वारा शासित है। राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे भाजपा शासित राज्यों में हाल ही में अधिक कीमत वाले सौर ऊर्जा के अनुबंधों में भी इस तरह के पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। और इस घटना ने पुष्टि की उस बात की जिस बात को हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में लोकसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूर्व में भी सीबी की जो संलिप्तता रही है उसके बारे में लेते हुए अडानी ग्रुप के ऊपर खुलासा किया था। इस तरह से धोखाधड़ी मामला चाहे किसी भी देश के लिए हो गंभीर और संगीन मामला है। क्या पूरी कांग्रेस पार्टी पूछ रही है, हम भी पूछ रहे हैं, क्या अडानी पावर एंड कंपनी अडानी के ऊपर कार्रवाई होगा, क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा, क्या देश के प्रधानमंत्री एक है तो सेफ है दारों के साथ उसको बचाने का काम करेंगे, इन सब सवालों के साथ। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी तो मानो ऐसा काम कर रही है कि वो तो पूरे अडानी एंड कंपनी का एक प्रवक्ता के रूप में काम कर रही है उसको बचाने के लिए। इसलिए माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि निश्चित रूप से इस मामले में कार्रवाई होना चाहिए, गिरफ्तारी होना चाहिए। निश्चित रूप से हम लोग का भी छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मांग हुई है कि निश्चित रूप से इस मामले में गिरफ्तारी होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। 2236 करोड़ रुपए की रिश्वत देश के बिजली कंपनियों के अधिकारियों को देना, इसके प्रमाण मिले उसमें सारे राज्य उड़ीसा जम्मू कश्मीर राजस्थान मध्य प्रदेश सब राज्यों के कहीं न कहीं कहानियां बनती है। मध्य प्रदेश इसकी भी बात अंत में करूंगा कि कैसे मध्य प्रदेश की जनता को लूटा गया। अमेरिका के बाजार में यहां पहले सौदे किए कि अधिकारियों को रिश्वत देके जो 4 रुपए में बिजली कंपनियों से बिजली खरीदती थी राज्य सरकारें उसको 8 रुपए में 7 रुपए में 8.5 रुपए में पर यूनिट अडानी जी की कंपनी से खरीदने, ऐसा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी के अधिकारियों ने, सरकार के अधिकारियों ने प्रदेश के अन्य 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 सरकारों को निर्देश दिए उसके प्रमाण मिले। यानी अल्टीमेटली जिस व्यक्ति ने कहा था बहुत हुआ भ्रष्टाचार अब की बार मोदी सरकार, अब उन्होंने कहा खूब करो भ्रष्टाचार अब चल रही है मोदी सरकार। उनसे देख रहे हैं कि अडानी और बीजेपी का जो नेक्सस है उसके ऊपर ख़ास तौर से राहुल गांधी जी लगातार बोलते आ रहे हैं, लेकिन आज अमेरिका में FBI ने जो इन्वेस्टिगेशन की और उनने जो पाया कि इस सब में अडानी ने हिंदुस्तान में 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत जो ऑफर की हुई है यहाँ के पॉलिटिशियंस को, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स को, ऑफिशियल्स को, हुआ ऐसा कि
अडानी जी यहाँ की पूरी इकोनॉमी को क्रिपल करके, क्योंकि एक साइड से उन्होंने सारे पब्लिक सेक्टर्स को उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया, दूसरी साइड से उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को खरीदना शुरू कर दिया, उसके बाद वो अमेरिका जैसे प्रोग्रेसिव कंट्री में जाके उन्होंने एक कंपनी के साथ वहाँ पे शराकत की और सोलर एनर्जी बनाने का उन्होंने एक आपस में एग्रीमेंट किया, और अमेरिका जैसी प्रोग्रेस कंट्री में उन्होंने लोगों को सब्ज बाग दिखाए और 25,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उन्होंने जमा किया। और इसके बाद में जब वो एनर्जी हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों को बेचने की कोशिश की तो वो एनर्जी इतनी महंगी थी कि स्टेट्स ने लेने से मना कर दिया। इन सब स्टेट्स में बिलखसूस जम्मू कश्मीर भी एक स्टेट है जिनको उन्होंने एनर्जी बेचने की कोशिश की, लेकिन ये टाइम जो है 2020 से 2024 तक का है जब यहाँ पे बराह रास्त मरकजी सरकार की हुकूमत थी बतौर प्रेसिडेंट्स रूल। तो देखना ये है कि जो FBI ने जो इन्वेस्टिगेशन करके जो ये सारे स्कैंडल जो अनअर्थ किया है, हमारी कांग्रेस पार्टी की ये डिमांड है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसको इन्वेस्टिगेट करे और रिपोर्ट बनाए कि कौन कौन से ऑफिशियल्स, कौन कौन से ब्यूरोक्रेट्स और कौन कौन से पॉलिटिशियंस इसमें थे। कांग्रेस पार्टी की यही डिमांड है। क्या किसी शख्स की तरफ इस वक्त उंगली नहीं उठाऊंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का मानना है कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसको इन्वेस्टिगेट करे, उसमें जिस जिस का नाम आता है इन्वेस्टिगेशन में वो सब साफ हो जाएगा उस कमेटी की रिपोर्ट से। पूरे कंट्री वाइड एक डिमांड है, आज अगर आप देखेंगे शाम तक तो पूरे मुल्क में इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, लोगों तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो इसमें अगर हमने ज्वाइंटली कुछ करना होगा तो उनके साथ भी इस बारे में बातचीत हो सकती है। 2 साल पहला हिंडनबर्ग दी एक रिपोर्ट आई थी क्योंकि राहुल गांधी 20,000 करोड़ रुपए की कल देश की पार्लियामेंट कर रहे थे कि 20,000 करोड़ रुपया जो शेल कंपनियों द्वारा मॉरिशियस गया और मॉरिशियस तो वापस उन्हें शेल कंपनीज ने अडानी जी शेयर मार्केट दे विच इन्वेस्ट करके अपने शेयर्स नू आप ही उन्हें जिहड़ी रेट हाई करके देश के लोगों नू लुटन का काम किया। क्योंकि जो बारों 20,000 करोड़ रुपया तुसी देखो पहले तो 20,000 करोड़ रुपया बाहर गया किदा गया हवाले दे राही गया, फिर उत्थे अलग अलग शेल कंपनीज नजायज आपके लोगों के नाम से बना के उन्हें लोगों ने इन्वेस्ट किया कंपनी के विच, ते फिर शेयर मार्केट के विच बूम आया, ते जो रात को 10 रुपए का शेयर 100 रुपए का हो गया, उदाहरण एग्जाम्पल दी है मैं, तो बहुत सारे जेडे कंज्यूमर सिगे साडे जेडे देश दे लोग सिगे उन्होंने अडानी दिया उन्हां कंपनीज दे विच इन्वेस्ट कर लिया, जबकि वह फेक सिगा सारे का सारा, क्योंकि वह तो उन्होंने पैसे ला के उन्होंने बूम अप किया गया सिगा। राहुल गांधी जी ने रौला पाया तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने यह गल कहा कि इट्स अ फेक। ये वाकई ये गल सही है, अमेरिका की कंपनी ने जिहड़ी कि इस तरह दीयां चीजां ते देखरेख रखती है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, देश के लोगों को बेवकूफ बनाया गया। थोनों ये भी पता होना है कि LIC ते SBI ने उन्होंने उन्होंने शेयर के उत्ते जो फेक रेट हाई हुए सन जो 10 रुपए का ही सी फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 100 का बनाता, दैन 100 के बने उत्थे लोन भी दिता गया LIC और SBI द्वारा, रौला पाया। असी क्या भी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी टीम बननी चाहिए है, मामला कोर्ट च भी गया और मानजोग अदालत ने हदायत कर दी कि यही इंक्वायरी SEBI करेगी जिहड़ी स्टॉक एक्सचेंज की देखरेख कर रही है कि ये किसी प्रकार की इररेगुलरिटीज तो नहीं हो रही। और जो पता लग्या
कि सेबी कौन है। सेबी ने क्लीन चेक देती जिड़ी चेयरमैन का नाम सी मधुभाई पूरी पूरी बुच। The corruption of Mr. Adani was discovered not by any Indian agency like the SEBI or CBI or ED or the Income Tax Department, but the corruption of Mr. Adani was discovered by US agencies, by American agencies. It is indeed a shame under Modi's government if these agencies, our agencies, failed so miserably. It is a shame to Mr. Modi. It is a shame that Mr. Modi is influencing these agencies to the extent of protecting corrupt business people like Mr. Adani. It is a fact that Adani is the funder for BJP and Modi ji is the protector for Adani. In the past 10 years, our country has seen hundreds of Modani scams, and yet no inquiry, no agency has dared even to conduct an inquiry. It is indeed a shame. It's actually disgusting to see that somewhere in America it came to light that Mr. Adani is corrupt, and the whole world is talking about India today because of the corruption of Mr. Adani. SEBI is equivalent to the Securities Exchange Commission in US. They discovered it, but SEBI was not able to. Today, Mr. Adani is indicted by the US, which means equivalent to an FIR, but India was not able to do anything. Why? Today, Congress Party is demanding a joint parliamentary committee to examine into the corruption of Mr. Adani, and also we are questioning Mr. Modi as to what he is going to do next. India and USA have an extradition treaty, and according to this treaty, a crime committed in any of these two countries cannot go unnoticed by these countries. So Mr. Modi, according to the extradition treaty, either has to extradite Mr. Adani for inquiry there in US, or he has to prosecute Adani here in India. So which is it going to be, Mr. Modi? Nama nayakaranta Rahul Gandhi avaru ಸುಮಾರು 7-8 ವರ್ಷದಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಅದಾನಿ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳಿತಾ ಇದ್ರು, ಅನೇಕ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವರ ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು, ಬೀದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಫೋರಮ್ಗಳಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಇದನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕಾ ದೇಶದ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ವಹಿವಾಟು ಬಗ್ಗೆ, ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ ಬಗ್ಗೆ, ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಲಂಚಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಕಿನ್ನ ತಾವು ಕೂಡ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ACC ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ಗೋಷ್ಠಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಒತ್ತಾಯ ಈಗಾರು ಕೂಡ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು,
ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಗೌರವವನ್ನು ಉಳಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗಲಿ ಅದು ದೂರವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಈ ದೇಶದ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರು ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತವರು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ఒకటి రెండు కాదు, అన్ని సంస్థల్ని మోసం చేస్తూ వచ్చినారు. వీరికి అమెరికాలో కూడా వ్యాపారాలున్నాయి కాబట్టి అమెరికా చట్టాల రీత్యా కూడా అమెరికాలో నుండి ఇన్వెస్టర్స్ కూడా మోసం చేసినారు. ఓవర్ ప్రైస్ ద్వారా అక్కడ ఇన్వెస్టర్స్ కూడా మోసపోయినారు కాబట్టి వీరికి శిక్షకి అర్హుడు అనే మాట ఇవాళ ఎఫ్బిఐ కానీ అమెరికా నిఘా సంస్థగా తేలుస్తున్నట్టు సందర్భం. ఇంత ముట్టికాయలేసి ఇంత బాహటంగా ఈ విషయాలు బయటకు వచ్చినప్పటికి కూడా ప్రధానమంత్రి గారు దేని మీద స్పందించట్లేదు. కారణం మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నా, అదాన్ని అరెస్ట్ చేస్తే అదాన్ని అరెస్ట్ అవుతే ప్రధానమంత్రి రాజీనామా చేయక తప్పదు. దేశీ సర్కార్ ఏ జో చోఖా తెవార్ పార్టీ జనతా పార్టీ దుఫే దుయిని హాయ్ ఏక్ రూపియో ఖాదో నా హాయ్ ఎమ్ఎన్ఏ కే భ్రష్టాచార్ గిరో నా హాయ్ నే కరో నా హాయ్ તો આ તપાસ તાત્કાલિક જોઈન્ટ પાર્લામેન્ટરી કમિટી પણ કરે અને સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશની નિગેબાનીમાં સીબીઆઈની જાંચ પણ થાય, જેનું સુપરવિઝન સુપ્રીમ કોર્ટના સિટિંગ ન્યાયાધીશ કરે. અને જ્યારે આટલા પુરાવા છે ત્યારે આ મુખ્ય તહોમતદાર નહીં, કારણ કે એમના પરિવારના એક સભ્ય એના મોબાઈલ પરથી બ્રાઇબરી નોટ એટલે કે જે ભ્રષ્ટાચારના પૈસા આપ્યા છે એની નોટ પણ કબજે થઈ છે, જેમાં બધી વિગતો છે. તો આટલા પુરાવા છે ત્યારે તાત્કાલિક એ તહોમતદારોને જેલના સળિયા પાછળ મોકલો. મસ્ટ બી અવેર રિગાર્ડિંગ ધી SEC, ધેટ ઇઝ ધ સિક્યુરિટીઝ એક્સચેન્જ કમિશન ઇન ધ US, વિચ હેડ ગિવન અ વેરી સિરિયસ એન્ડ damning report against Mr. Gautam Adani and seven of his associates. Now, as per the indictment, by the SEC, which is the US equivalent of the SEBI, the Gautam Adani and his associates are alleged to have given bribes to 5 state governments in India, bribes totaling to 2,000 crores of rupees. And this happened from 2022-2024. The states that have been mentioned are Chhattisgarh, Odisha, Tamil Nadu, and Jammu and Kashmir, and not forgetting Andhra Pradesh. Now, this gives rise to 3 points. Number one, this is not a serious matter just to India, but this is also a big embarrassment and an indictment of our Prime Minister, Mr. Modi ji.